पानसेमल शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनियमितता व छात्रवृत्ति के संबंध में दिया एसडीएम को ज्ञापन। पानसेमल शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने व अनियमितता को लेकर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं का कहना है कि अभी तक उनकी छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिली है एवं समय पर ना तो अध्यापक न स्टाफ आता है और ना ही प्राचार्य, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वर्तमान में भी 11 बजे से कभी भी नियमित कक्षाएं नहीं लगी हैं। बीएससी की कक्षा भी 1 बजे के बाद ही लगती है, जिससे हमारी पढ़ाई की बर्बादी हो रही है, जो कि यह गलत है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम उग्र आंदोलन व चक्काजाम करने को मजबूर होंगे। इसकी पूर्णतः जवाबदारी महाविद्यालय प्रशासन व शासन की रहेगी। हम छात्रवृत्ति टाइम से नहीं डल रही अभी तक, और टाइम पे टीचर लोग, मतलब जैसे भी अध्यापक, टाइम पे नहीं पहुँचते, और प्राचार्य वगैरह, हाँ सर, वो भी, उनको भी टाइम से नहीं आ पाते हो। तो कुछ छात्रों ने चर्चा की इस बात को लेकर? हमारे छात्रों ने की थी चर्चा। अच्छा, तो समस्या का निराकरण नहीं हुआ फिर? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो फिर ज्ञापन दिया आपने? हाँ, एडीएम सर से ज्ञापन दिया अभी। सर, आज महाविद्यालय के छात्रों ने ज्ञापन दिया, सर किस संबंध में दिया और क्या किया जाएगा? आज शासकीय महाविद्यालय पानसेमल के छात्र छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति और कक्षाएं समय पर नहीं लगने के संबंध में एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय पानसेमल को प्रेषित किया गया है। सर, इसमें प्राचार्य और प्राध्यापकों के भी समय पर नहीं आने का जिक्र किया था, तो उसको लेकर के कुछ? हाँ, इसमें है कुछ अन्य समस्याएं भी, छात्रवृत्ति और शालाएं कक्षाएं नियमित नहीं लगने के संबंध में, और अन्य समस्याएं भी है जिसमें कि समय पर क्लासें नहीं लगती, इस प्रकार की जो भी कार्यवाही है वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा की जाएगी। इसमें डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट